बेरोजगारी की बात करना चाहें, महंगाई की बात करना चाहें, हम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। और आप देखिए, यहां हमारे मीडिया के मित्र हैं, इनका काम जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का होता है, मगर ये भी अपना काम नहीं करते हैं। 24 घंटा ये कैसे करेंगे? ये मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों का मीडिया है, पूरा का पूरा मीडिया उन्हीं दो उद्योगपतियों के हाथ में है, तो सच्चाई कैसे दिखेगी, सच्चाई कैसे सुनाई देगी? और जनता को सब मालूम है, जनता घर में टीवी ऑन करती है और जनता जानती है कि टीवी किसका है और टीवी किसके लिए काम कर रहा है। टीवी दो उद्योगपतियों का है, अखबार दो उद्योगपतियों के हैं, और ये दो उद्योगपति नरेंद्र मोदी जी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। देश में बेरोजगारी, देश में महंगाई और देश का पूरा धन दो उद्योगपतियों के हाथ में, एक तरफ मीडिया का कंट्रोल, दूसरे तरफ प्रधानमंत्री पे कंट्रोल। अभी किसी ने कहा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मगर उन दो उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मीडिया के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। और जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया हो, प्रेस हो, चाहे हमारी जुडिशरी हो, चाहे हमारा इलेक्शन कमीशन हो, उन सब पर दबाव है, उन सब पर सरकार आक्रमण कर रही है। तो यात्रा की क्या जरूरत है? यात्रा की यह जरूरत है कि विपक्ष के सामने और कोई रास्ता ही नहीं है, हमें सीधा जनता के बीच में जाना पड़ेगा। मीडिया हमारा नहीं, संसद में हम बोल नहीं सकते, तो अब कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता है, जनता के बीच में जाकर उनको देश की सच्चाई बताना।